वेलकम यूट्यूब, आई एम अनिकेत एंड यू आर वॉचिंग वेट स्टडी। तो आज मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ हमारी पहली और प्रोबेबली आखिरी कॉलेज ट्रिप पर। ये हमारी 3 डेज ट्रिप है, जिसमें फर्स्ट डे हमने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जाने का प्लान था, बट ड्यू टू सम रीजंस वो हमारा प्लान कैंसिल हो गया और हमने विजिट किया जीबी पंत यूनिवर्सिटी। तो हम सुबह ही निकल गए थे और किसी ने भी ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तो हम रुके शिव ढाबा पर, जहाँ पर हमने पराठा खाया। लास्ट ट्रिप है पूरे मतलब बैच की, तो बस कहना चाहेंगे कुछ आप इसके बारे में। कहना यही चाहेंगे, सबसे पहले किशोर को जो है इसके लिए धन्यवाद देना चाहिए। बिल्कुल, हमारे सीआर ने बहुत मेहनत करी है इसमें और हमें ट्रिप के लिए वो अलाउ कराने के लिए। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद हम सीधे निकल गए जीबी पंत यूनिवर्सिटी के लिए। तो हमारा दोनों नाइट्स का स्टे जीबी पंत यूनिवर्सिटी में ही था। वहाँ एक बड़े से रूम में आई थिंक 26 बेड थे और हमने जाते ही लंच किया एंड देन हमने एक घंटा प्रोबेबली रेस्ट किया और फिर हम निकल गए जीबी पंत यूनिवर्सिटी घूमने, जिसमें हमने मेनली एनिमल फार्म और वेटनरी कॉलेज देखा। इसके अलावा एक पंतनगर म्यूजियम था जो कि काफ़ी अच्छा था, वो हमने विजिट किया। मंसूर थॉमसन, हाय गाइस, हाय गाइस। मिल्किंग का वो है तो मैनुअल मेथड जो है जनरली अडॉप्ट किया जा रहा है। एट प्रेजेंट वी आर हैविंग मोर देन 300 साहिवाल एनिमल्स। उनके काफ होते हैं, उसको फिर ग्रोन अप करते हैं, फिर उसको जो है वही स्टॉक में आते हैं। इस तरीके से एक रिवॉल्विंग वे में जो है ये काम चल रहा है। तो कुछ काफ हैं आप देख सकते हैं। तो बड़े फ्रेंडली है हमारे कंपैरिजन में, हमारे तो भाग जाते हैं। तो सो अभी हम यहाँ पे फार्म पे घूम रहे हैं, जो कि बहुत धूप है। कोई प्लान नहीं था यहाँ पर आने का, बट यस वी एंड अप हियर। सो ये जो शेड थी ये मेनली मेल काफ्स के लिए थी और सर ने एक्सप्लेन करा कि कैसे उन्होंने गौशालास के साथ टाई अप कर रखा है इन मेल काफ्स के लिए, और वो करंटली सेक्सीमन पर भी वर्क कर रहे हैं मेनली शाहीवाल के, ताकि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जा सके। यहाँ पे जो मिल्किंग का टाइम है वो दिन के 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक और रात के 2:30 बजे से सुबह 5 बजे तक का टाइम है। और अभी हमने देखा यहाँ पर ऑलरेडी मिल्किंग चल रही थी, मशीन मिल्किंग भी होती है और हैंड मिल्किंग भी यहाँ पर प्रैक्टिस करी जाती है। सो अभी ये वाला फार्म था, यहाँ पे ये मिल्किंग पार्लर है और इधर आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये सारी मतलब कैटल्स ही हैं, इनमें कुछ हेफर हैं। वी आर एट दी पोल्ट्री फार्म, शैक्षणिक कुक्कुट फार्म।
शैल्य चिकित्सा, शैल्य चिकित्सा, डॉक्टर रतन सिंह ऑडिटोरियम। अच्छा मीट प्रोसेसिंग है यार, ऐसा लग रहा है मैं रसोई में आ गया हूँ। आज एक फिल्म देखेंगे पंतनगर के जो भी अभी तक की हिस्ट्री और जो भी अचीवमेंट है वो 3D में हमने फर्स्ट मूवी यही बनाई। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस कुछ कहना चाहोगे गाइस? बहुत मजेदार मजेदार मेरे सही। LPT डिपार्टमेंट देखा जो कि मतलब काफ़ी डेवलप्ड है यहाँ का पंतनगर का, और उसके बाद हमने क्लिनिक्स देखा, बाकी मतलब कॉलेज विजिट किया और फिर एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन, हाँ वही जो इसने बोला, ठीक है। तो वहाँ पर हमने उसके ऑडिटोरियम को विज़िट करा और पंतनगर म्यूज़ियम हमने विज़िट करा, तो वहाँ पे मतलब इस यूनिवर्सिटी का इस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ था, क्या उसके पीछे हिस्ट्री है, वो सब हमने देखा। तो कल का हमारा प्लान क्या है? कल सुबह हमें 6 बजे मुक्तेश्वर निकलना है, वहाँ पर बहुत अच्छी वायरोलॉजी लैब है, तो बस उसके बाद लोकल साइट विजिट करेंगे मुक्तेश्वर, उसके बाद फिर वापस बैक टू पंतनगर। ओके, तो हम कल मुक्तेश्वर जाएंगे और फिर उससे मतलब नेक्स्ट डे हम कहाँ जाएंगे? नेक्स्ट डे नैनीताल का बता रहे हैं वैसे प्लान अभी। हाँ, तो अभी मतलब कुछ सर्टेन नहीं है कि हम कहाँ जाएंगे, ठीक है, बट हाँ ये सर्टेन है कि कल हम मुक्तेश्वर जाने वाले हैं।